नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम साबुन बनाने का तरीका। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, नीम के पत्ते, और उसके बाद आप डालडा ले सकते हैं, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, और उसके बाद कास्टिक सोडा। इसी से आज हम बनाएंगे नीम साबुन। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। देखिए, नीम के पत्ते को आपको ग्राइंडर में पीस लेना है, लेकिन इसमें आपको पानी नहीं डालना है। समझ में आ गया? जैसे आपको इसे सूखा ही, मतलब पत्ते को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। यह नहीं कि आप पानी डालकर उसमें ग्राइंडर में पीसेंगे तो यह ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें डालडा ले लेना है और इसे गर्म करना है। तो देखिए, यह एक नीम साबुन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। आप इसे घर के लिए यूज करने के लिए बना सकते हैं, या आप अगर इसका चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे बनाकर अपने लोकल मार्केट में आप दुकानदार को सैंपल दिखाइए, अगर उनको बढ़िया लगता है तो आपको ऑर्डर देंगे। उसके बाद आप बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम पूंजी लगाकर आप यह काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यह सब काम देखने में बड़ा काम होता है, यह लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पूंजी लगता है, लेकिन नहीं, आप अगर चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर। और अगर आपके पास पैसा कम है, पूंजी कम है, तो आप इसे छोटे पैमाने पर, बहुत ही कम पूंजी में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको गर्म करना है। अब इसे इतना गर्म करना है जब तक इस नीम के पत्ते इसमें जल ना जाए। समझ में आ गया? क्योंकि जब आप आयल में इसे गर्म करेंगे तो यह गर्म होकर जितना भी नीम के अंदर आयल होता है वह सब डालडा में मिल जाएगा। आप यहाँ पर डालडा, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, और उसके बाद मूँगफली ऑयल, मतलब आप इसमें जमने वाला कोई भी तेल ऑयल यूज कर सकते हैं, जो जम जाए। समझ में आ गया? अगर आपको बढ़िया क्वालिटी बनाना है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल यूज करेंगे, वो बढ़िया रहेगा। अब ये देखिए, धीरे धीरे पक रहा है और इसमें से सारा ऑयल इस ऑयल में मिल जाएगा जो आप यूज कर रहे हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, यह नीम ऑयल बन के तैयार हो गया। इसमें हमने डालडा यूज किया है, लेकिन अब यह नीम ऑयल हो गया है। देखिए, क्योंकि नीम के पत्ते का सारा ऑयल इसमें आ गया है और यह नीम ऑयल बन गया है। अब इससे हम जो साबुन बनाएंगे वह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। तो सबसे पहले इसे हम छान लेते हैं, इस ऑयल को पत्तों से अलग कर लेते हैं।
अब हम इसमें कास्टिक सोडा ऐड करेंगे। कास्टिक सोडा आप 10 से 20% ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अगर 1 kg आयल ले रहे हैं तो आप उसमें 100 ग्राम से 200 ग्राम कास्टिक सोडा ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 10% यूज करेंगे, मतलब 100 ग्राम 1 kg में, तो वह थोड़ा हल्का जमेगा, वह साबुन थोड़ा गीला होगा। लेकिन आप उसमें 200 ग्राम ऐड करेंगे 20%, तो वह बहुत ज़्यादा ठोस बनेगा। समझ में आ गया? मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से बहुत बढ़िया जानकारी मिल जाएगा और आप अपना एक फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि आप अगर 10% ऐड करते हैं तो वह थोड़ा गीला बनेगा, 20% ऐड करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा ठोस बन जाएगा। मतलब आप 10 से 20 के बीच में ऐड करेंगे। समझ में आ गया? जैसे 130 ग्राम 40 ग्राम तक आप ऐड करेंगे तो नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए बहुत बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा कास्टिक सोडा ऐड करेंगे तो वह भी आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें हम कास्टिक सोडा का जो घोल बनाया है लाई, अब इसे इस आयल में डालकर और इसे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट मिलाना है। अब आपके दिमाग में है कि इसमें हम पानी कितना ऐड करेंगे, तो मान लीजिए आप 100 ग्राम कास्टिक सोडा ऐड कर रहे हैं तो आप 100 ग्राम इसमें वाटर मिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आप अगर वाटर मिला देंगे तो ये बढ़िया से जमेगा नहीं। समझ में आ गया? तो आपने अगर 100 ग्राम कास्टिक सोडा लिया तो आप 100 ग्राम उसमें पानी मिलाएंगे, वाटर। अब इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद में जिस भी सांचे में आपको साबुन बनाना है, आप उसमें इसे डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दें, तो यह ठोस बन जाएगा। और आप अगर इसे यूज करेंगे या मार्केट में सेल करेंगे, वह 30 दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद आपको इसे यूज करना है, क्योंकि कास्टिक सोडा और डालडा आयल बढ़िया से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो आपके शरीर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।